कैथेटर बेस्ड थेरेपी दो स्वरूप में आती है, कैथेटर बेस्ड थ्रोम्बोलिसिस एंड कैथेटर बेस्ड मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। कैथेटर बेस्ड थ्रोम्बोलिसिस एक ऐसी आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें पैर की अफेक्टेड वेन में कैथेटर इंसर्ट करने के पश्चात वहां पे स्ट्रॉन्ग पोटेंट लाइटिक इंजेक्शन जो कि अल्टीप्लेस होता है उसे लो डोज में आने वाले 24 से 48 घंटे तक प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि क्लॉट लाइस हो जाए और नस में प्रवाह स्थापित हो सके। ऐसे सिलेक्ट केसेस के लिए दूसरा स्वरूप होता है कैथेटर बेस्ड थेरेपी का, जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहा जाता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी एक ऐसी आधुनिक प्रक्रिया है जहां पे अफेक्टेड वेन में कैथेटर के माध्यम से हैवी क्लॉट बर्डन को निकाला जाता है। क्लॉट के निकालने के पश्चात जो भी अफेक्टेड नसों में क्लॉट होता है वो पूरी सिस्टम के वैक्यूम के द्वारा क्लॉट निकाला जाता है और प्रवाह स्थापित किया जाता है। So for our DVT patients, if medical therapy fails, there is always a way out with catheter-based therapy.